आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ रीयूज, रीफैशन, रीस्टाइल आइडियाज जिनसे आप अपने पुराने कुर्ताज को दोबारा पहन सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि एक बेसिक दुपट्टा गाइड वीडियो है। उसमें हमने आपके साथ शेयर किया है कि कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है एक नया दुपट्टा खरीदने से पहले और आप अपने दुपट्टा की केयर और मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आप में से जो लोग कहते हैं कि उनको हिंदी भाषा में वीडियो समझना मुश्किल लगता है, इंग्लिश इजी भाषा है उनके लिए, हमने आपके लिए एक ब्लॉग स्टार्ट किया है जहाँ पे हम जो भी वीडियोस बनाएंगे आपको उसका कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा। आप वहाँ पे जाके हमारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो का कंप्लीट राइटअप इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले है अफगानी सलवार। अफगानी सलवार बहुत ही कम्फर्टेबल बॉटम का टाइप है जो आप अपने प्लेन कुर्ताज के साथ पेयर अप कर सकते हैं, प्लेन प्रिंटेड किसी भी कुर्ता के साथ। लेकिन ये स्टाइल ना थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको अगर आप फर्स्ट टाइम इस स्टाइल को कैरी करें, बिकॉज इसका जो क्रॉच लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो बहुत से लोगों को पहनने में और देखने में अटपटा लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम ट्रायल के लिए आप एक ऐसी सलवार बनवा सकते हैं जो ज्यादा महंगे कपड़े में ना हो। सिंपल कॉटन की सलवार बनवाइए, किसी भी बेसिक कलर में, ब्लैक, रेड, मरून, ब्लू में आप बनवा सकते हैं। इंडिगो प्रिंट्स आप ले सकते हैं, ब्लॉक या बगरू प्रिंट्स में ले सकते हैं। सो दैट आप मल्टीपल कुर्ताज के साथ ट्राई करके देख सके कि क्या ये स्टाइल आपके लिए है या नहीं। अगर आप एक सलवार लवर हैं, आप इसे ट्राई दे सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल के साथ इनसिंक होने की जरूरत है बस। अदरवाइज एक और पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं, 5 फीट या उससे कम है, तब ये स्टाइल में भी आपकी हाइट को कट शॉर्ट कर सकता है। अगर आप 5'2" से अबव है या 5'5" से अबव है तब तो डेफिनेटली आपको स्टाइल पसंद आ सकता है। अगर आपके पास स्ट्राइप्स में कुर्ता है तो आप उसे रीडिजाइन कर सकते हैं क्रोशे लेसेस के साथ। व्हाइट में आपको ये लेसेस मिल जाती हैं, कॉटन बेस पे ही जो भी लेसेस आपको मिलती हैं वो चलेंगी इसके लिए। सिंपली आपका जो प्रिंसेस लाइन आता है, चाहे आपके कुर्ता में प्रिंसेस कट है या नहीं, उसका जो भी प्रिंसेस लाइन आता है शोल्डर से लेकर नीचे तक, उस पर आप इन लेसेस को अटैच करवा सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके कुर्ता में योक एरिया है तो वहां पे भी आप लेसेस को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, क्रिस क्रॉस किसी भी पैटर्न में लगा के एक कस्टमाइज्ड डिजाइन अपने लिए बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ीज हैं कॉटन, जॉर्जेट, शिफॉन में, तो आप ऐसी साड़ीज में अपने लिए एक फ्लेरी कुर्ता सेट बनवा सकते हैं जिसे आप पेयर अप कर सकते हैं स्ट्रेट सलवार के साथ। स्ट्रेट सलवार ऐसी सलवार होती हैं जिनमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती, तो ये इजी टू कैरी भी है, आपके ऑफिस पर्पज के लिए, आपके कैजुअल वेयर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ऐसे कुर्ता सेट्स के साथ आपको ज्यादा हैवी दुपट्टा इसको पेयर अप करने की जरूरत नहीं है, एक प्लेन शिफॉन या जॉर्जेट दुपट्टा इनफ होगा। ऑल्सो आपको प्रिंटेड साड़ीज बहुत कम रेंज में मार्केट में भी मिल जाती है। अगर आपको प्रिंटेड कपड़ा नहीं खरीदना, आपको प्रिंटेड साड़ी सस्ते में मिल रही है, तो आप उसे खरीद के भी ऐसा कुर्ता कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिकॉज 5-5.5 मीटर का कपड़ा अगर आपको सस्ते में एज अ साड़ी मिल रहा है, देयर इज नो हार्म इन दैट। ओवरऑल रनिंग एक ही प्रिंट हो तो आप ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज उसे कर पाएंगे। अगर पिछले कुछ सालों से प्लाजोज आपका फेवरेट बॉटम है कुर्ताज के साथ पेयर अप करने के लिए, तो इस साल आप बेल बॉटम्स ट्राई कर सकते हैं। सिंपल उसी कपड़े में जो आपको कुर्ता सेट्स के साथ मिलता है जिनमें आपने प्लाजोज बनवाए हैं, आप बेल बॉटम स्टाइल बना सकते हैं। टॉल हाइटेड वुमेन के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, आपको किसी भी टाइप का चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने स्टाइल में। लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो मेक श्योर, क्योंकि नीचे से फ्लेयर्ड होता है आपकी हाइट कट शॉर्ट हो सकती है इसमें, आप इसके साथ हील्स को पेयर अप करें। अगर आप अपने समर्स के व्हाइट कुर्ता सेट को एक ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक पड़ा हो, प्रिंटेड दुपट्टा या साड़ी पड़ी है जो ब्राइट कलर्स में है, आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने व्हाइट कुर्ता के फ्लेयर पे, स्लीव पे और दुपट्टा पे, सो दैट उसमें कलर पॉप ऐड हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन भी आपके प्लेन कुर्ता सेट्स के लिए है। प्लेन कुर्ताज को थोड़ा स्टाइलाइज करने के लिए, एक मिनिमल बट एजी लुक देने के लिए, आप उसके साइड्स पे, ट्राउजर के साइड्स पे और आपके कुर्ता के साइड पे डिफरेंट कलर की टेपिंग कर सकते हैं, यानी कि पट्टियां लगा सकते हैं जैसे आपके ट्रैक सूट्स के डिजाइन होते हैं। इस तरीके से भी आप अपने लिए एक डिफरेंट दिखने वाला स्टाइलिश डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट है इकत हैंडलूम फैब्रिक। अगर आपके पास बहुत कॉमनली मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो मैं नीचे वेबसाइट्स के कुछ लिंक दे दूंगी जहां से आप परचेज कर सकते हैं। हैंडलूम कुर्ताज बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि हैंडलूम कुर्ताज जो है ये आप मल्टीपल
सीजन्स में पहन सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है समर्स में ही पहनेंगे, प्री विंटर्स पोस्ट विंटर्स भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो हैंडलूम इकत फैब्रिक में आप अपने लिए एक स्ट्रेट कुर्ता बनवाइए, उसे आप पेयर अप कर सकते हैं सलवार के साथ, प्लाजोज के साथ, किसी भी बेसिक कलर में। इसे एक डिफरेंट लुक देने के लिए आप इसकी स्लीव्स को स्टाइलाइज कर सकते हैं, आप प्लीटेड स्लीव्स को ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है हमने कुर्ता सेट बनाया है, मेरा खुद का कुर्ता भी इस डिजाइन में है। हैंडलूम कुर्ता ना परफेक्ट बॉडी फिट में अच्छे नहीं लगते हैं, ये थोड़े लूज फिट में अगर हो तो इनका कंप्लीट ग्रेस निकल के बाहर आता है। सो हम ओवरऑल एक लूज फिट रख सकते हैं, कंफर्टेबल फिट रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप विंटर्स में इसके नीचे वार्मर्स पहन सकते हैं, और स्लीव्स इसकी वॉल्यूमिनस है तो उसके नीचे वार्मर इजीली सेट हो जाएगा, और समर्स में आपकी स्किन ब्रीदेबिलिटी अच्छी रहेगी बिकॉज कहीं से भी बॉडी हगिंग नहीं है ये। अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ीज पड़ी हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप अपने लिए इस तरीके की जैकेट्स भी बना सकते हैं। प्रिंट के साथ एक प्लेन फैब्रिक को अटैच करके आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स क्रिएट करके इस तरीके की स्टाइलिश जैकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट डिजाइन हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बट बिकॉज ये एक बहुत अच्छा डिजाइन है एंड वी रियली वॉन्ट कि लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, अगर आपके घर में किसी को निटिंग का शौक है और उनके पास बची हुई ऊन है तो आप अपने साथ लेफ्ट ओवर वूल के साथ इस तरीके का निटेड या क्रोशे से कुर्ता भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी जीन्स पड़ी हैं घर में तो आप सभी जीन्स को इकट्ठा करके उनको ओपन करके उनके जितने भी फैब्रिक्स हैं उनको डिफरेंट शेप्स में काट के पैच वर्क से कंप्लीट फैब्रिक क्रिएट कीजिए पहले, एंड देन इसे आप किसी भी गार्मेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कुर्ता, स्कर्ट्स, जैकेट्स, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं, जो लोग बेसिक स्विंग जानते हैं वो इसे क्रिएट कर सकते हैं, इनमें से मैक्सिमम स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप बुटीक्स के पास जाएंगे तो वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करते बिकॉज ये ऑल्ट्रेशन कैटेगरीज में आ जाते हैं। सो इसके लिए आपको उन लोगों के पास जाना होगा जो ऑल्ट्रेशन करते हैं। आई नो आप चाहते हो कि आपको कम्प्लीट फिनिशिंग चाहिए, परफेक्ट स्विंग चाहिए, तो इन दैट केस यू नीड टू यू नो कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट बिकॉज बुटीक्स ऐसे ऑर्डर्स लेते नहीं है, उनको इसमें से ज्यादा अर्निंग नहीं होती और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। दैट्स व्हाई आई से कि अगर आप रीयूज रीडिजाइन जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, बेसिक सुइंग आपको खुद को ही आनी चाहिए, एंड इट्स ओके अगर परफेक्टली सून पीस नहीं है वो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। एक्चुअली हम यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, एज अ बिजनेस बुटीक्स में यू नो ऑल्ट्रेशन में से वो ज्यादा अर्निंग नहीं करते, और एज अ कंज्यूमर आप एक परफेक्टली फिनिश्ड पीस चाहते हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि बेसिक ऑल्ट्रेशन करना आप खुद सीख जाएं, वो आपका एनुअली जितना खर्चा आप कपड़ों पे करते हैं उसे बचाएगा, और तभी ये एक कम्प्लीट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट आपका बनेगा जहां पे आपने कम खर्चा किया है, वेस्ट चीजों को यूज किया है, रीयूज किया है, रीडिजाइन किया है। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो और ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगेन एक रिमाइंडर है आपके लिए, अगर आपको राइटअप में ये देखना है यू नो इंग्लिश में इस कॉन्टेंट को जानना है तो हमारे ब्लॉग को विजिट कीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you so much, everyone.